नमस्कार, मैं नेहा साहिन, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल। मैट्रिक परीक्षा 2025 की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट। बिहार में 150 साल पुराना रेल पुल होगा ध्वस्त। बीवीएस लक्ष्मण ने एनसी अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव किया स्वीकार। अब खबरें विस्तार से। राजकीय समारोह के तौर पर होगी अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश के हर कोने में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलिंगकर सहित बीजेपी के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा अब राजकीय समारोह के तौर पर होगी। अब प्रत्येक साल इसे धूमधाम से मनाया जाएगा। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और भाजपा के बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप के बाद हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ गया है। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में बीते 3 दिनों से ओपीडी सेवा प्रभावित हो रही है। अब पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेतिया के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा भी ठप कर दी गई है। इससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए समस्या खड़ी हो गई है। अस्पताल प्रशासन किसी तरह इमरजेंसी सेवा शुरू कराने का प्रयास कर रहा है। अवैध खनन मामले में थानाध्यक्ष निलंबित। जमुई में अवैध खनन मामले में एसपी डॉक्टर सूर्य सुमन ने गिद्दौर के थानाध्यक्ष रीता कुमारी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस में थानाध्यक्ष रीता कुमारी को 2 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि गिद्दौर थाना के थानाध्यक्ष रीता कुमारी पर अपने प्राइवेट चालक से अवैध बालू की तस्करी करने का आरोप है, जिसके कारण उनको निलंबित किया गया है। बिहार में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया है। पटना के मौसम केंद्र ने पटना, गया, बेगूसराय, औरंगाबाद समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में मानसून संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 14 जिलों में ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 17 अगस्त को पूरे बिहार में वज्रपात का खतरा बना रहेगा। साथ ही गया और नवादा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रविवार 18 अगस्त को कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, तो सोमवार 19 अगस्त को गया जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 20 और 21 अगस्त को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जमीन को लेकर अब नहीं होगी मारपीट। जमीन विवाद बिहार में एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो मारपीट से लेकर हत्या जैसी घटनाओं को जन्म देती है। इसके समाधान के लिए अब सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार सरकार ने पूरे राज्य में 1 साल के भीतर भूमि सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में वैशाली जिले में आज 16 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी विपिन यादव ने जानकारी दी है कि जिले के 1530 राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके लिए 450 कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें बंदोबस्त विभाग के पदाधिकारी, अमीन, कानून गो और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस जीप पर जश्न, एसआई निलंबित। पुलिस जीप के बोनट पर केक काटने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो पटना के वीआईपी इलाके बोरिंग रोड का बताया जा रहा है, जो करीब 1 महीना पुराना है। वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस जीप के बोनट पर कुछ युवक केक काट रहे हैं। मजे की बात है कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है।
अब वीडियो में दिखने वाले दारोगा श्रीकृष्णापुरी थाने के SI संजय कुमार को लापरवाही की वजह से निलंबित कर दिया गया है। पटना SP मध्य के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। मैट्रिक परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ी। जो छात्र बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक अहम खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले इसकी अंतिम तारीख 13 अगस्त निर्धारित की गई थी, अब लेट फीस के साथ छात्र 21 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ध्यान रखिए कि इसके लिए आवेदन शुल्क का भुगतान 18 अगस्त तक ही किया जा सकेगा। आवेदन करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को कुल ₹450 शुल्क जमा करना होता है, जबकि प्राइवेट छात्रों के लिए यह शुल्क ₹580 है। अनंत सिंह के 17 समर्थकों पर केस दर्ज। AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में अपनी विधायकी गवा चुके अनंत सिंह फाइनली जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनके 17 समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन 17 समर्थकों पर आरोप है कि इन्होंने नियम की अनदेखी करते हुए रिहाई की खुशी में जश्न मनाया है। इस मामले पर बाढ़ थानाध्यक्ष ने कहा कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की रिहाई की खबर मिलते ही दर्जनों समर्थक सड़क जाम कर जश्न मनाने लगे, रंग गुलाल मिठाई खिलाकर आतिशबाजी करने लगे थे। इससे NH-31 पर जाम की समस्या हो गई थी, राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। NH-31 पर आतिशबाजी करने के मामले में 17 समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। बांग्लादेश से बिहार के लौटे छात्र ने सुनाई आपबीती। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के बीच मेडिकल की पढ़ाई करने गए बिहार के छात्र किसी तरह जान बचाकर घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश से लौटा बिहार के मोतिहारी के लाल ने आपबीती सुनाई है। शहर के खुदा नगर निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी का पुत्र आसिफ अम्मान ने बताया कि जुलाई महीने में शुरू हुआ छात्र आंदोलन अगस्त महीने में काफ़ी हिंसक रूप ले लिया। आसिफ अम्मान ने आगे कहा कि वहाँ आंदोलन शुरू होने के बाद 2-3 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, इसके बाद अचानक गोलीबारी, हवाई फायरिंग, टीयर गैस और रबर बुलेट चलने लगे। वहाँ हालात खराब होता देख हम लोगों ने वहाँ से निकलने का निर्णय लिया है। बिहार में 150 साल पुराना रेल पुल होगा ध्वस्त। मिथिलांचल को अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले ऐतिहासिक रेल पुल की यात्रा अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मामला समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल संख्या 1 से जुड़ा है, जो कभी लोगों की लाइफ लाइन हुआ करती थी, लेकिन अब इसका अस्तित्व तो समाप्ति के कगार पर है। अंग्रेजी शासनकाल में 1874 में गंडक नदी पर बनाया गया ये पुल अब जर्जर हो चुका है और इसके स्क्रैप को नीलाम कर दिया गया है। इस मामले पर समस्तीपुर रेल डिवीजन के DRM विनय श्रीवास्तव ने कहा कि इस पुल में लगे लोहे के गाटर, रेल पटरी और अन्य लोहे के पार्ट्स को नीलाम कर दिया गया है। पुल के 4 पिलर की नीलामी नहीं की गई है, नीलाम की गई सामग्री को हटाने का काम चल रहा है। जल्द ही इस पुल के सभी स्क्रैप को हटा लिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने तेजस्वी पहुंची राघोपुर प्रखंड। नेपाल में हुए भारी बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं गंगा के किनारे रहने वाले लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में बिहार के पूर्व डिप्टी CM और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर प्रखंड पहुँचे। तेजस्वी नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते हुए राघोपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी आज बीरपुर पंचायत सहित कई कटाव स्थल का निरीक्षण करेंगे। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने प्रशांत किशोर को उड़ता हुआ पंछी कहा।
जमुई पहुंचे बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। मंत्री सदा ने कहा कि प्रशांत किशोर एक उड़ता हुआ पंछी है जिन्हें अभी तक कहीं जगह नहीं मिली है और इसलिए वे बौखलाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किशोर ने कांग्रेस बीजेपी और ममता बनर्जी दरबार में जाकर दरबारी का काम किया है और बिहार की जनता उन्हें लायक नहीं मानती है। मंत्री ने प्रशांत किशोर के लोकसभा चुनाव में दिए गए बयानों को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। शराबबंदी वाले बयान पर भी जमकर लताड़ा, साथ ही लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू के प्रयास अब बैकफुट पर चले गए हैं। ममता बनर्जी पर जमकर बरसे चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कोलकाता हत्याकांड को लेकर ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि बंगाल के सीएम को दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय यह ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई रुकावट ना आए, कार्रवाई और जांच सही से हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे सभी लोगों को फायदा होगा और दोषी को सजा मिलेगी। इसके आगे चिराग पासवान ने कहा कि बंगाल में इस तरह की घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को खुद ही बनती है, ये उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसका साफ मतलब है कि जो घटना घटी उसे रोकने में आप पूरी तरह नाकामयाब रहीं। जेल से बाहर आए अनंत सिंह ने पीएम और सीएम से की डिमांड। AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में अपने बधाई के गवा चुके अनंत सिंह फाइनली जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनके समर्थकों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। वही जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गलत केस में फंसने का आरोप लगाते हुए अनंत सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरसीपी सिंह की बेटी आईपीएस लिपि सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम बेमतलब इतने दिनों के लिए जेल की सजा काटे हैं तो वे भी जेल में रहें। बीवीएस लक्ष्मण ने एनसीए अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव किया स्वीकार। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर बीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। लक्ष्मण का मौजूदा अनुबंध नवंबर 2021 से शुरू हुआ था जो इस साल सितंबर में समाप्त होने वाला था, लेकिन खबर ये है कि लक्ष्मण एक साल और इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि 49 साल के लक्ष्मण को IPL फ्रेंचाइजी से हेड कोच बनने का प्रस्ताव मिला था लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। बता दें कि लक्ष्मण को NCA में सहायक कोचिंग टीम के रूप में श्रीतांशु कोटक, साईराज बहुतले और ऋषिकेश कानिटकर का साथ मिल सकता है। इस टीम के साथ लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है हरीश चंद्र प्रसाद, कन्हैया कुमार, गोस्वामी आनंद यादव, रवि कुमार राम, नूनू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, बिट्टू कुमार, राजन प्रकाश, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, गुनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, प्रेम कुमार पटेल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप कैसा नेता मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और अगर साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।